दरअसल 29 अगस्त की शाम को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में कुछ छात्राओं को एक खुफिया कैमरा मिला, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। साथ ही छात्राएं काफी घबरा भी गईं। इसी खौफनाक घटना के बाद सैकड़ों छात्राओं ने कॉलेज परिसर में ही इकट्ठे होकर उस वक्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और रात भर वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए 30 अगस्त की सुबह तक विरोध प्रदर्शन जारी रखा। जब पुलिस को विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें इस केस के कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। दरअसल पुलिस ने कॉलेज के ही एक विजय नाम के सीनियर छात्र को हिरासत में लिया और उसका लैपटॉप भी जब्त कर लिया। पुलिस ने लैपटॉप खंगालने के बाद लगभग 300 अश्लील वीडियो बरामद किए। उनको आशंका है कि कैमरे के जरिए छात्राओं के वीडियोस रिकॉर्ड किए जा रहे थे और इन वीडियोस को लीक करके हॉस्टल के कई अन्य छात्रों को बेचा जा रहा था। जांच में ये भी पता चला कि आरोपी ने वॉशरूम में कैमरा लगाने में कॉलेज की एक छात्रा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी मदद ली, लेकिन पुलिस अभी इस मामले की तलाशी में जुट गई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही कृष्ण जिले के डीएम डीके बालाजी और एसपी गंगाधर राव को मामले की जांच जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए और जिला प्रशासन के अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। इस मामले पर कॉलेज प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए हम अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे। वहीं छात्राएं लगातार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं और न्याय की गुहार भी लगा रही हैं। लेकिन इस घटना के बाद अब देशभर के अन्य गर्ल्स हॉस्टल में भी छात्राओं की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और इस घटना ने एक बार फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।